नमस्ते दोस्तों, कुसुमा मम्मी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको बना के दिखाने वाली हूँ सिम आलू टमाटर का चीला। इसे बनाने के लिए सामग्री चाहिए: सिम आलू टमाटर, चावल के पेस्ट जो मैंने धो के वाश करके अच्छा से भिगो के लगभग 3 घंटा भिगो के रखे थे, जो मैंने पेस्ट बना लिए हैं मिक्सर जार में, और स्मूथ एक पेस्ट बना के रखे हैं। सिम आलू टमाटर को सब्जी के आकार में काट के धो के साफ करके रख ले लिए हैं। सिम 250 ग्राम, आलू 3 मीडियम साइज के, 1 बड़े टमाटर, और इसे बनाने के लिए और चाहिए लहसुन के एक लिया, जो मैंने 8 से 10 लहसुन लिए हैं, अदरक के टुकड़े और 2 हरी मिर्च। तो चलिए बनाना शुरू। अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ। इसमें एक कढ़ाई चढ़ाना है और उसके बाद सारे सब्जियों को इसमें एक एक करके डाल देना है। इसमें अभी तेल मसाले कुछ नहीं देना है, क्योंकि सब्जियों को हमको उबाल के उस बनाना है। दोस्तों 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, तो अब हम लीड खोल के देखते हैं कि कितना हद तक सब्जियाँ पक गए हैं। तो आधा हद पक गए हैं। अब इसको हम इसमें थोड़ा जो लहसुन अदरक था उसका पेस्ट और थोड़े मसाले इसमें ये करेंगे डालेंगे। इसमें जाएगा थोड़ा थोड़ा मसाला, थोड़ी धनिया पाउडर, थोड़ा गरम मसाला पाउडर, चिली पाउडर, थोड़े जीरा पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, सारे मसाले थोड़े थोड़े जाएंगे। और फिर हम इसको और एक बार चलाएंगे अच्छे से, ताकि मसाले इस सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाए। गैस मीडियम फ्लेम में है। अब हम फिर से लीड ढक देंगे ताकि अच्छे पूरे हद तक। 5 मिनट के बाद फिर हम लीड खोल के देखते हैं कि सब्जियाँ पके कि नहीं। लगभग पक चुके हैं, तो हम थोड़ा और 2-3 मिनट इसको ढक्कन डाल के और पकाएंगे। उसके बाद चीला बनाने का प्रोसेस में हम जाएंगे। दोस्तों अब 2-3 मिनट फिर हो चुके हैं, फिर हम लीड खोल के देखते हैं कि सब्जियां पके कि नहीं। अब सब्जियां पूरा पक चुके हैं। अब इसको हम गैस को बंद कर देते हैं। दोस्तों मैं इसको उतार लेती हूँ और एक मिक्सर की सहायता से इसको मिक्स करूँगी। अगर आपके पास मिक्सर नहीं है तो आप इसको ग्लास से भी मिक्स कर सकते हैं। और ये मेरी दादी, मैं जब छोटी थी तो मेरी दादी बना के मुझे खिलाती थी। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगती है। आप अपने बड़ों को, बच्चों को, सबको नाश्ते में खिला सकते हो। दोस्तों ये अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब इसमें हम धीरे धीरे चावल का पेस्ट डालेंगे और इसको मिलाते जाएंगे इस पेस्ट को। इसको अच्छा से मिलाएंगे। अपना हाथ से भी इसको मिला सकते हैं। हाथ को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद हाथ से मिलाइएगा। अब इसमें दानेदार मिल रहे हैं अच्छे। ठंडा का सीजन है, दानेदार सिम से ही बढ़िया चीले बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी। दोस्तों सब्जियों के साथ मैंने चावल के पेस्ट को अच्छा से मिक्स कर लिए हैं। ये देखिए पेस्ट, इस पेस्ट को मिक्स करने में मैंने थोड़ा सा भी पानी यूज नहीं किया है, क्योंकि जब मैं चावल पीसी थी उसे मैं थोड़ा पानी डाल के पीस रही थी, इसलिए हमको पानी का ज़रूरत नहीं पड़ा। अगर आपको पानी पड़ा तो थोड़ा सा डाल सकते हैं। ये देखिए ऐसे पेस्ट तैयार हुए हैं।
इस तरह से रहना चाहिए। तो चलिए अब चिला बनाने के प्रोसेस में जाते हैं। चलिए दोस्तों गैस ऑन करते हैं और तवा चलाते हैं। गैस ऑन हो गया, तवा हमने चढ़ा लिया, तो गर्म होगा। उसके बाद हम सरसों तेल से बना रहे हैं। आप घी, तेल, सरसों तेल या रिफाइंड कोई भी चीज़ से बना सकते हैं। सरसों तेल से अच्छा लगता है, इसलिए हम सरसों से बना रहे हैं। तो दोस्तों तवा गर्म हो चुके हैं, गैस के फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अब इसमें हम तवा में थोड़ा तेल लगाते हैं चारों तरफ। उसके बाद हम चिल्ला का बैटर को लेके अच्छे से फैला के जाएंगे चारों तरफ से। फैलाने के बाद गैस के फ्लेम को हाई कर दीजिएगा ताकि एक साइड अच्छे से पक जाए। तो दोस्तों चिल्ला के एक साइड पक चुके हैं। गैस के फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। पलट लेते हैं, देखिए कितना गोल्डन कलर सुनहरा हो गया है, कितना बढ़िया लग रहा है। फिर फ्लेम को थोड़ा हाई कर दीजिए दोनों तरफ पकाने के लिए। तो अब हमारे चिले दोनों तरफ से पक गए हैं, ये देखिए। और एक बार हम पलट लेते हैं अच्छे से, देखिए दोनों तरफ से पक चुके हैं। चिले हमारे तैयार हो गए हैं। अब दूसरे चिले के प्रोसेस में जाएंगे। इसको हम थाली में उठा लेते हैं, दूसरा चिल्ला बना के और एक आपको दिखाते हैं। दूसरा चिल्ला बनाने के लिए हम दूसरे तवा में तेल डालेंगे, डालेंगे तेल। उसके बाद फिर बैटर लेंगे एक चम्मच और बैटर तवा में डालेंगे। दोस्तों हम बड़े बड़े चिल्ले बना रहे हैं, आप छोटे छोटे भी बना सकते हैं। तो बच्चे बड़े सबको अच्छे लगते हैं, आप नाश्ते में बना के खा सकते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगेंगे। अगर मेरा चिल्ला आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का घंटी दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। गैस के फ्लेम को हाई कर लीजिए ताकि अच्छे से पके। सॉरी दोस्तों एक चीज़ बोलना मैं भूल गई, जब आप पलटेंगे तो ऊपर की तरफ से थोड़ा तेल लगा दीजिएगा, इसके बाद पलटिए। देखिए कितने अच्छे गोल्डन बन रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, खाने में भी अच्छे लगते हैं। आप लोग बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए, बहुत अच्छे लगेंगे ये चीले। दोस्तों दूसरा चिल्ला भी हमारे बन चुके हैं, अब इसको भी हम थाली में निकाल लेते हैं। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं दोस्तों, ये हमारे चिल्ले दोनों बन के तैयार है। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, हम सॉस के साथ खाएंगे। आप सॉस, चटनी, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगेंगे। आप बनाइए सीम आलू टमाटर का चिल्ला और खा के देखिए कैसा लगता है। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल की घंटी दबा दीजिए।